आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक, BTS न्यूज़ एंड टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। और सर, किन विषय पर चर्चा की गई है? गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो गणतंत्र दिवस का टाइम, प्रथम कार्यालय का क्या रहेगा, थाना का क्या रहेगा, ये तय किया गया। और सर, यहाँ पे जो समस्याएं उजागर की गई हैं उस बारे में कुछ बताएंगे? खाद के विषय में किसान राहिमाम है तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा जितना खाद हमें चाहिए कमरिया को उतना खाद मिल चुका है। आज पालक पदाधिकारी पंचायत समिति आज बैठक रखी गई थी, उसमें एजेंडा था कि 90 सदस्यों का जो परिचय गणतंत्र दिवस पर परिचर्चा एवं अन्यान था। अन्यान में सभी सब्जेक्ट रहता है, खास करके कृषि पर चर्चाएं होगी, जिन से संबंधित जो भी सवाल थे उनका जवाब प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा दिया गया। BTS न्यूज के लिए मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। जय हिंद। तस्वीरें बिहार के मधेपुरा जिला अंतर्गत गमरिया प्रखंड मुख्यालय के कृषि सभागार की, और तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति की अध्यक्षता में आज एक बैठक आयोजित की गई। मौके पर थाना अध्यक्ष अमित कुमार रॉय, जिला परिषद सदस्य वंदना कुमारी, प्रखंड प्रमुख श्री शशि कुमार, कृषि पदाधिकारी पवन कुमार के साथ सभी पंचायत के मुखिया एवं पंचायत समिति उपस्थित थे। मौके पर जिला परिषद सदस्य वंदना कुमारी, प्रखंड प्रमुख श्री शशि कुमार और कार्यपालक पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख और सुन पा रहे होंगे। मैं 6 संख्या 1 वंदना कुमारी दोबारा जीत करके आई हुई हूँ। मैं प्रखंड वासियों से ये कहना चाहती हूँ कि दोबारा मुझे मौका दिया गया जनता तरफ से, मैं अच्छी से सेवा करूँगी और सबसे यही अनुरोध करती हूँ कि जितने भी प्रतिनिधि हैं सब एक साथ चले, मैं सब के साथ रहूँगी क्योंकि जनता मुझे दोबारा फिर से उतरने के लिए मौका दी है। इसीलिए हम सब मुखिया जी से, समिति सदस्य, प्रखंड प्रमुख बड़े भाई शशि कुमार यादव जी से कहेंगे कि जो भी समस्या हो और कोई भी दिक्कत हो मुझे भी इस चीज़ का जानकारी मिलना चाहिए और मैं सबके साथ रहूंगी। प्रखंड के विकास के लिए मैं सिर्फ कदम से कदम बढ़ाते रहूंगी। प्रमुख साहब से यही मैं कहना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि जो भी समस्या हो, चाहे बिजली विभाग से हो, चाहे कृषि विभाग से हो, जो भी समस्या हो मुझे जानकारी मिलना चाहिए, मैं इस पर जरूर ध्यान दूंगी। मैम, आज जो मतलब प्रखंड स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक किया गया, इस बैठक में किस विषय पर चर्चा की गई, इस बारे में जानकारी दीजिए मैम। आज तो सिर्फ परिचय पात्र ही का बैठक था जी, जिसमें तो सिर्फ परिचय हुआ कि मतलब कहां से कौन चुन करके आई हुई है। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि मुझे दोबारा मिला, जनता से यही कहूंगी कि दोबारा जीत मिला है। मैं 5 साल से सेवा करती आई हूँ, जो भी मेरे तरफ से गलती हुआ होगा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर 5 साल रहेंगे वहाँ पर अच्छा से सेवा करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए सर। शशि कुमार, प्रखंड प्रमुख गमरिया। जी सर, आज जो प्रखंड स्तरीय बैठक पंचायत प्रतिनिधियों के साथ किया गया, किन विषय पे चर्चा की गई, इसके बारे में जानकारी दीजिए सर। सबसे पहले तो सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को नए साल का हार्दिक अभिनंदन हुआ उनका। उसके बाद सब सदस्य एक दूसरे को जाने पहचाने, कौन किस पंचायत से है,